आज मैं बात करूंगा चार वजहें, चार रीजंस जिसके कारण शैतान आपकी लाइफ में से चीजों को छीनता है, आप चीजों को खोते हो, आप खुद खोते हो। आप समझ रहे हो, उसे ओपनली तिजोरी खोलोगे, उसने आके ले लेना है। आप खोते हो चीजों को, निकालेंगे एक वचन प्रेरितों के काम 27 उसका 21। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में यह होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना वह विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, ना ये विपत्ति आती और ना ही हानि उठाते। इंग्लिश में लिखा है, अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो तुम इस इंजरी और लॉस में से ना गुजरते। इसका मतलब ये लॉस ना आता, ये चीजें तुम खोते नहीं अगर बात को सुन लेते। अगर मेरी बात सुन लेते तो तुम चीजों को खोते नहीं। आज आपको प्रभु की बातों को जानना है, सीखना है, समझना है, ताकि आप चीजों को खो ना। हालेलुया। कुछ चीजें अय्यूब की तरह शैतान ने ली, पर वो प्रभु की ओर से दुगना लौटा दी जाएंगी आप खड़े हो। पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कारण, चार कारण, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में चीजों को खोते हो? प्रभु ने क्या ठहराया है आपकी लाइफ में? आपकी क्या पोजीशन ठहराई है? आपको कहां ले जाना है पर आप उसे खो देते हो? चार वजह है। सबसे पहले परख की आत्मा ना होना, परख ना होना, परख की कमी के कारण। एक वचन निकालेंगे इब्रानी 2 उसका 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। जो प्रभु ने उंडेला है, जो प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूर चला जाए, वो खोया जाए। दूर चले जाना मतलब आप उसे खो देते हो। पुराने नियम में एक व्यक्ति जब एक पेड़ पे पेड़ की ब्रांच को काट रहा था, डाली को काट रहा था, जो उसका एक्स है वो पानी में गिर गया, कुल्हाड़ी उसकी पानी में गिर गई, वो उससे दूर चली गई। अब समझ रहे हो, इसका मतलब वो खो गई। दूर चली जाना मतलब आप उसे जाके ले नहीं सकते। खो देना चीजों को, इसलिए चाहिए कि तुम उन बातों पर जो सुनी है तुमने मन लगाओ। प्रभु का कलाम, प्रभु की बातें, प्रभु के गहरे वेद, ये जो बातें आपको मिल रही हैं प्रतिदिन, इन पर मन लगाओ, ध्यान लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर हो जाओ। आपको परख आत्मा, परख, मैं बहक तो नहीं रहा, हट तो नहीं रहा प्रभु से, मैं सही चल रहा हूं, आत्मिक चाल मेरी, मेरा कलीसिया में विश्वास योग्यता से बने रहना, मेरा सर चर्च मिस तो नहीं हो रहा। अब ध्यान रखते हो, उन बातों पर मन लगाए रहते हो, अलर्ट रहते हो, नहीं तो आपसे परे करी जाती है। बाइबल में लिखा है सुलेमान के समय पे, हम पढ़ते हैं कि दो औरतें उसके पास आईं और दोनों औरतें, एक ही समय था जब वो गर्भवती थी और एक ही समय पे उन्होंने अपने बच्चों को जना, तो जब वो सो रही थी, इकट्ठे सो रही थी,
एक औरत का बच्चा खत्म हो गया था, मर गया था, और उसने क्या किया, वो मरा हुआ बच्चा जो जीवित था उससे बदल दिया। अब समझ रहे हो, एक मां अपने छोटे से, कितना छोटा सा बच्चा है, उसे गोद में लेके सोती है, पर क्योंकि वो अलर्ट नहीं थी, उसका बच्चा उससे छीन लिया गया। अब समझ रहे हो, जब आप अलर्ट नहीं होते, आप अपनी चीजों को खोते हो। ध्यान लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहक कर तुम उनसे दूर चले जाओ, वो चीजें तुमसे दूर कर दी जाएं, जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे पास ठहरनी चाहिए, तुमसे परे कर दी जाएं। ध्यान रखो, उसने बच्चा ले लिया। अब छोटे से बच्चे की क्या पहचान होती है, ये मेरा है, ये तेरा है, हाँ सब एक समान होते हैं, समझ रहे हो। 3-4-5 साल का हो गया तब भी आप फर्क बता दोगे, पर ये छोटे से 3-4 दिन हफ्ते के बच्चे के क्या फर्क बताओगे आप, मेरी वाले की छोटी नाक थी या बड़ी नाक थी, अब क्या अंतर ढूंढोगे। अब समझ रहे हो, वो अलर्ट नहीं थी, उसका बच्चा छीन लिया गया। जब आप अलर्ट नहीं रहते, परख का आत्मा नहीं रखते कि क्या चीजें किस लिए आ रही हैं, मैं किस जगह पे हूं, ये क्या ये स्थान ठीक है, आप चीजों को खोते हो। हालेलुया। यशाया 1:3, बैल ने तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आप प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की योजना को नहीं समझते, ये चीजें क्यों आ रही हैं, आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, आप प्रभु को नहीं जानते। क्या लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जानवर पहचानते अपने स्वामी को, पर तुम अपने ईश्वर को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, इसीलिए चीजों को खोते हो, इसीलिए आसानी से समझौते कर देते हो, इसीलिए प्रभु के ठहराए हुए स्थान पे नहीं पहुंच पाते, इसीलिए शैतान आसानी से चीजों को छीन लेता है, आसानी से डरा धमका के आपसे चीजें ले लेता है। आपको पता होना चाहिए प्रभु की बहुतायत, प्रभु की ज्ञान की बातें, प्रभु का कलाम गहराई से आपके जीवन में बसा, आपको पता है। अगर ये परिस्थिति है तो प्रभु का क्या प्लान है, इसने भालुओं और शेरों के ऊपर जीत दिलाई, ये गोलियत के ऊपर भी जीत दिलाएगा। अब डरते और घबराते नहीं हो, अब प्रभु को पहचानते हो। जब आप, अगर आप नहीं पहचानते तो चीजों को खोते हो। तो परख ना होना, चीजें आपसे परे होती हैं, आप खोते हो अपनी लाइफ में, आप हैरान होते हो, आज तो मेरे पास थी, आज डाउन है, आज तो बिजनेस अप था, आज डाउन है, आज तो करियर अप था, आज डाउन है, आज तो 5 लाख की जॉब थी, आज 10,000 की भी नहीं है। चीजें छीन ली जाती हैं क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो। परख का आत्मा, चीजों को समझना, आत्मिक प्रिंसिपल्स, आत्मिक स्टैंडर्ड्स, आप कहां पे हो, प्रभु क्या सामर्थ्य रखता है आपके जीवन के लिए, जानना, पहचानना, परख। यहजकेल 12:1-2, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तो विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखते के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। आंखें तो हैं पर देखते नहीं है, कान तो हैं पर सुनते नहीं है, आप अलर्ट नहीं हो प्रभु की चीजों को लेके, स्मरण नहीं करते, इसीलिए शैतान आसानी से चीजों को छीन लेता है। आपको पता नहीं है
बाइबल में लिखा तुम शैतान की तरकीबों से अनजान नहीं हो, ना रहो। कब आना है, कब नहीं, आप अलर्ट हो, परख आत्मा है आपके पास, आपको पता है इस टाइम पे ऐसे आएगा, इस टाइम पे ये करेगा, ये हालात आ रही है तो मुझे कैसे स्थिर रहना है। आप समझौता नहीं करते, आप जो चीजें प्रभु ने ठहराई हैं उनको खो बैठते नहीं हो, आप अलर्ट हो, परख आपकी लाइफ में होना, क्योंकि अगर नहीं है तो आप चीजों को खो दोगे जो प्रभु ने ठहराई है आसानी से। यूसुफ की लाइफ में हम देखते हैं परख का आत्मा था, हाँ परख थी। ये पोतीफर की पत्नी क्यों आ रही है मेरे पास, कौन है, क्या है, क्या इंटेंशन है, अगर मैं गलत करूंगा तो क्या रिजल्ट बैठेगा। उसने अपने प्रधानमंत्री के पद को खोया नहीं, क्यों, परख के कारण। वो परख गया था कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, और वो वहां से भागा। पर मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, क्या है, शिमशोन ने परखा नहीं, इसीलिए दिलाइला के जाल में गिर पड़ा। आप समझ रहे हो, आप परखते हो, आपको पता है शैतान यहां से आ रहा है, इस बंदे में से आ रहा है। जब पतरस प्रभु ने बोला मैं क्रूस पे जाऊंगा, क्रूस पे मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, पतरस प्रभु तुझे जाने नहीं देंगे, प्रभु ये कर देंगे, लिखा है प्रभु को डांटने लगा यीशु को, तो यीशु क्या खुश हो गया कि पतरस मुझसे कितना प्यार करता है, यही मेरे लिए बोला है, यही मेरे आगे खड़ा होएगा। क्या कहा प्रभु ने, हाँ क्या कहा पतरस को, हाँ शैतान दूर हो जाओ, शैतान परे हो। आपको परख पता है, आप अपने मार्ग से अपनी चीजों से को खो नहीं देते, आप भटक नहीं जाते, परख। बाइबल में लिखा है जब पौलुस एक जगह पे प्रचार करने गया, पौलुस और सिलास जेल में जाने से पहले जिस जगह पे थे वो, तो वहां पे एक भावी करने वाली औरत, एक जादू टोना, एक दुष्ट की सामर्थ से चीजों को जानने की पावर थी उसके पास, और एक लिस्त्रा नगर में थी। और बाइबल बयान करती है कि जैसी वो पौलुस और सिलास वहां पे आए तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये परमेश्वर के सच्चे दास है, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे दास है। क्या वो झूठ बोल रही थी, हाँ? अब समझ रहे हो कि नहीं, क्या वो झूठ बोल रही थी, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा चलती है, पर क्या बोल रही है, सच बोल रही है। आपको लगेगा फ्री च उन्होंने मशहूरी कर रही है, ते प्रॉब्लम की है, अब समझ रहे हो, परख आत्मा उनके आगे आगे चल रही है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर के लोग हैं। और पौलुस ने क्या किया, उसे डांटा और उस स्पिरिट को बोला इसको छोड़ और निकल, हालेलुया, और वो आजाद करी गई। आप हैरान हो, आप समझ रहे हो, कोई भी नॉर्मल बंदा आपको लगेगा मेरी मशहूरी कर रही है, इस जगह पे मैं नया आया हूं, ये मेरे बारे में सही बयान कर रही है, ये मेरी अपनी है। अब समझ रहे हो, आप एक नई जगह पे आए हो और वहां का बंदा कोई आपके बारे में बोल रहा हो और वो भी सच बोल रहा हो, और पौलुस को क्या हो गया, पौलुस पागल हो गया, स्पिरिट को निकाल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, उसकी मशहूरी तो कर रही है, उसकी ऐड तो कर रही है फ्री में, उसके बारे में अच्छा तो बोल रही है। परख, अब समझ रहे हो, पौलुस जानता था कि आज ये मेरे साथ है, ये लोगों को दिखा रही है कि ये मेरे साथ है, मैं 10-12 दिन के लिए हूं पर उसके बाद चला जाऊंगा, लोग मुझे ढूंढने का प्रयास करेंगे, किसके पास आएंगे, उसके पास, क्यों, वो दिखा रही थी, दर्शा रही थी कि मैं पौलुस के साथ हूं। अब समझ रहे हो कि नहीं, हालेलुया। आपको परख के आत्मा को समझना है, आपको लगता है क्यों ऐसा,
अभी तो फ्री में ऐड कर रही है, उसको पता है 10-12 दिन के मेहमान है, उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद तो सब मेरे पास ही आएंगे। क्यों अपने आप को शो किया कि मैं तो पौलुस के साथ ही हूं, उसी की ग्रुप की हूं? आपको समझना है एक परख, कौन किस रीति से क्या चीजें लेके आ रहा है। आप परख में चलते हो नहीं तो आप चीजों को खो बैठोगे। अगर पौलुस परख में ना होता तो वो लिस्त्रा के लोगों को उस औरत के हाथों में खो बैठता। अभी तो सुसमाचार दे दिया, अभी तो बचा दिया, पर जाने के बाद वही औरत उन्हें भटका देती। परख, आप इमोशनली नहीं बैठे कौन क्या कर रहा है, आप परख से चलते हो। हालेलुया। आत्मिक रेल्म में तीन तरह से लोग चलते हैं, तीन प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। सबसे पहले इमोशनल होके, इमोशन में बह के, फीलिंग्स में बह के, भावनाओं में बह के, ऐसा हो रहा है और उसके अनुसार वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा ये तो मेरी चिंता ही करता है, दिलाइला तो मेरे पास मेरी फिक्र ही कर रही है, मुझसे पूछ रही है कि तूने खाना खाया, तूने खाना नहीं खाया, अच्छी बातें तो बोल रही है मुझसे। अब समझो आप इमोशनल, आप फीलिंग्स में बह जाते हो। इमोशंस के अनुसार आप चलते हो। दूसरा रीजनिंग, समझ के द्वारा, समझ रहे हो आप चीजों को देखते हो, ये कैसा है, ये ऐसा है, आप समझ रहे हो, जो इंसानी बुद्धि या इंसानी समझ है उसके अनुसार आप चलते हो, आप कैलकुलेट करते हो, ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, यहां पे नुकसान है, यहां पे ये है, आप उसके अनुसार चलते हो, इंसानी समझ, जो चीजें आपने ली हैं, जो ज्ञान लिया है उसके अनुसार आप चीजों को समझते हो, आप भावनाओं में बहते नहीं हो, आप समझ के करते हो। और तीसरा और सबसे उत्तम, आप परख के द्वारा चलते हो। और परख के द्वारा चलना कैसे है, प्रभु के कलाम के द्वारा चलना। परख के द्वारा कैसे चलते हैं लोग, प्रभु के कलाम के द्वारा। अब समझ रहे हो पौलुस, ये लोग परख से चलना, परख, उसके बाद मनुष्य की समझ, उसके बाद थर्ड इमोशंस। आपको इस ऑर्डर को बदलना नहीं। हालेलुया। शिमशोन गिरा परख ना होने के कारण। दिलाइला क्यों आई है, क्या वजह है, किसने भेजी है, भावनाओं में बह गया और सब कुछ, अपनी मंजिल, अपने बाल, अपनी आंखें, सब कुछ खो बैठा क्योंकि परख नहीं थी। जब आप परख में नहीं चलते आप खोते हो चीजों को। शैतान आया ये बच्चा ले गया, शैतान आया आंखें ले गया, शैतान आया आपके, आप समझ रहे हो, बिजनेस ले गया, करियर ले गया, मैरिज ले गया, और आप देख रहे हो परख। प्रेरितों के काम 28 उसका 27, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। मोटापा पेट पे नहीं मन में आ रहा है, भारी शरीर नहीं कान हो रहे हैं। अब चीजों को आपकी ग्रहण करने वाली क्षमता खत्म होती है जब, तब आप चीजों को खोते हो। मैंने आपको बताया है अगर आपको प्रभु की बातें पता हैं तो आप शैतान के षड्यंत्र में नहीं रचोगे। तो शैतान क्या करता है, मन को मोटा ताकि ये रिसीव ना कर पाए, जितना मर्जी मत्था मारी जान, इधर मन ची ना वड़े, इधर कानी पारी कर दो,
ताकि विच एंट्री ना करे। और ऐसे कुछ लोगों के मन शैतान ने इतने मोटे किए होते हैं, कान इतने भारी किए होते हैं, वजन एंट्री ढूंढता है। हाँ, इस गली से आया ये भी बंद, इस गली से आया ये भी बंद, हल्के यू टर्न लेके आया, वहां से भी कोई जगह नहीं मिल रही उसे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। प्रभु अपने प्रगटीकरण दिखा रहा है, अंतिम समय के चिन्ह दिखा रहा है, स्पिरिचुअल रेलम में चीजें खुल रही हैं, उनके सामने चीजें हो रही हैं, पर अपनी आंखें बंद कर रही हैं। हम नहीं देखेंगे। क्या उनके ना देखने से चीजें बदल जाएंगी? अब समझ रहे हो, भूचाल आ रहा है, मैं नहीं देखूंगा, मुझे कोई फर्क, आप समझ रहे हो, आपके देखने ना देखने से भूचाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनामी की लहरें आ रही है, मैं नहीं देखूंगी। ना देखना आपकी लाइफ में खोने को पैदा करेगा। आप खोगे अगर आप देखोगे नहीं, आप खोगे अगर आप सुनोगे नहीं, आप खोगे जब आप अपने मन को बंद रखते हो प्रभु के कलाम से, क्योंकि यही बातें, यही प्रभु का सत्य आपकी लाइफ में परख को लेके आता है। हालेलुया। परख में चलना क्या है? प्रभु की बातों की, प्रभु के सत्य की भरपूरी में चलना। आपको पता है क्या नहीं करना, आपको पता है आप किस स्थिति में हो, कैसे रिएक्ट करना है। परख, परख ना होना, चीजें जा रही हैं आपकी लाइफ में से। सबसे पहला क्या है चीजों को खोने का कारण? परख ना होना। दलाइला की परख, पोतीफर की पत्नी की परख ना होना, उस भावी वाली औरत की परख, वो क्यों आ रही है, क्या मकसद है उसका? पत्रस की परख, जो इमोशनली होकर आपको बोल रहा है तुझे नहीं जाने दूंगा मैं, आपको परख। आज बहुत जो आपको अपने दिखाई देते हैं सबसे बड़े शत्रु हैं आपके, जो आपकी गलतियों में भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होंदी रहती है, ये तो चलता ही है, ये तो जमाना है। आज जो आपको प्रसन्न करने में लगा हुआ है आपके गलत में भी एक दिन आपको धोखा देगा। आप समझ रहे हो? पर जो आज आपकी लाइफ में परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है वो आपकी लाइफ में अंत तक आपके साथ बना रहेगा। आमेन। मैंने बहुत बड़ा भेद आपकी लाइफ पे खोला है। आज जो सिर्फ आपको प्रसन्न कर रहा है एक टाइम पे आपको धोखा दे देगा, पर आपकी लाइफ में जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा हुआ है आपकी लाइफ में अंत तक बना रहेगा। एक बंदा सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, आप समझ रहे हो, वो लस्टफुल इमोशनल, आपको लगता है कि ये मेरी कितनी चाहत करता है, मेरा नाश्ता भी पूछता है, मेरा लंच भी पूछता है, मेरा डिनर भी पूछता है, मेरा स्नैक भी पूछता है, तूने खाया तूने नहीं खाया, मुझे कि मेरी कितनी फिक्र है, तूने दवाई ले ली नहीं ले ली, इतनी चिंता करता है मेरी। आप समझ रहे हो? दलाइला भी ऐसी थी, शिमशान तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तेरी बाइसेप्स तेरी ट्राइसेप्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे पकवान बना के खिलाती थी उसे। अब समझ रहे हो? और फाइनली आखिरी में ऐसा पकवान खिलाया उसे अनंत काल तक याद रहेगा। तो उन पकवानों में अपना ईमान ना खो बैठो, उन पकवानों में इमोशनल रीति से ना चलो, खुद बना के कड़वी बनानी नहीं आती रोटी, जली हुई रोटी खा लो, पर दलाइला से बचे रहो यीशु के सामर्थ्य नाम से। एन हालेलुया हालेलुया। दलाइला के पकवान मैं बोल रहा हूं धोखा देंगे, बहुत बड़ा धोखा। परख में नहीं चलना शुरू किया आपने, हालेलुया। तो सबसे पहला परख ना होना आपकी लाइफ में लॉस लेके आता है।
आप खोते हो चीजों को। दूसरा, लापरवाही के कारण आप चीजों को खोते हो। आप समझ रहे हो, ये शरीर में भी दिखाई देता है, पेरेंट्स डांटते भी लापरवाही ना करी, हाँ कितने खो दें, बहुत महंगी वॉच दवाई है तेनू, मैं बहुत पैसा इकट्ठा किया सी ते वॉच लवाई, इन ध्यान ना समझी, फोन ध्यान नाल रखी, हाँ। इसी प्रकार आत्मिक लापरवाही में वाई के कारण हम आत्मिक चीजों को खो सकते हैं। लापरवाही, अब कुछ भी कभी भी कैसे मन में आया कर दिया, मन में फील हुआ कर दिया, लापरवाही। इब्रानी 2:3, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। अगर हम इस उद्धार को का इनकार कर देते हैं, इसको हल्का ले लेते हैं लापरवाही में, ठीक है मिल गया, तो बाइबल क्या कहती है, तो निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हो, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई है और सुनने वालों के द्वारा हम इसका निश्चय हुआ है। लापरवाही, अब समझ रहे हो, तुम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, बाइबल में क्या, जो तूने पाया उसे संभाल के रख। अगर आप प्रकाशित वाक्यों में पढ़ोगे, अब उस उद्धार से लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है मिल गया, चर्च गया सी, प्रार्थना कर ली, बपतिस्मा ले लिया, चलो छुट्टी है, जो मर्जी करी। अब उद्धार से लापरवाही नहीं कर सकते, लापरवाही करना आपको महंगा पड़ेगा। हम लगता है कि हम जो मर्जी करें, अब मैं चंगा हो गया, मैं जो मर्जी करूं। अब समझ रहे हो, मशाले तो प्रभु ने पकड़ा दी, जलाएगा कौन, तेल कौन इकट्ठा करेगा, मशाले हैं, अकेली मशाले नहीं जा रही, जब यीशु आ रहा है जलती हुई मशाले उठाई जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हाथों में मशालों के साथ लापरवाही ना करो, उनको जलाओ, तेल इकट्ठा करो, प्रभु की भरपूरी। तेल इकट्ठा क्या करना है, आप प्रभु के भवन में आ रहे हो, प्रभु की भरपूरी को पा रहे हो, प्रभु के साथ आपका रिश्ता, प्रभु के कलाम के साथ आपका रिश्ता। उद्धार को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो, आप परे नहीं कर सकते उद्धार। आप बाइबल का, यीशु का बेशकीमती लहू बहाया गया, प्रभु स्वर्ग छोड़ के मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे पैदा हुआ। हालेलुया। आप लापरवाह नहीं हो सकते, कि लापरवाह होना आप कुछ चीजों को अब खो दोगे। अगर हम, तुम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बढ़ सकते हो, अगर इससे निश्चिंत रह गया, अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया, इसमें लापरवाही कर दी, तो बच्चों के कैसे, बचने का राह कहां बचेगा। हालेलुया। जो उद्धार की चाबी प्रभु ने दी है स्वर्ग की, संभाले रखो उसे। उद्धार हो गया है, अब उद्धार की अच्छी दौड़ को दौड़ना, उद्धार की अच्छी कुश्ती को लड़ना, उद्धार को संभाले रखना, संगति में, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में। आपके अगवे कुछ बोल रहे हैं, आज्ञाकारिता, आप बने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। लापरवाही के कारण चीजों को खोते हो।